नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मनीषा शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। खबरों की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ करते हैं। जातिगत जनगणना को लेकर बिहार की राजनीति अब गरमाने लगी है। इसी मसले को लेकर सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विपक्षी के नेता तेजस्वी यादव समेत कुल 11 नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात करीब 40 मिनट तक चली। इन नेताओं की मांग है कि देश में जातिगत आधार पर जनगणना होनी चाहिए, जिससे पिछड़ी जातियों के विकास में तेजी लाई जा सके। कई दशकों से जातिगत जनगणना की मांग की जा रही है, लेकिन अब एक बार फिर से बिहार से ये आवाज उठने लगी है। कई अन्य राजनीतिक दलों ने भी इसकी मांग की है। नीतीश कुमार ने बैठक के बाद कहा कि सभी लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जातिगत जनगणना की मांग की है। बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियों का इसको लेकर एक ही मत है। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि सरकार के एक मंत्री की तरफ से ये बयान आया था कि जातिगत जनगणना नहीं होगी, इसलिए हमने बाद में बात की। नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारी बात सुनी है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि ये ऐतिहासिक काम तो होकर रहेगा, जब जानवरों की गिनती हो रही है तो फिर इंसानों की गिनती भी होनी चाहिए। अगर धर्म के आधार पर भी गिनती हो रही है तो जाति के आधार पर भी गिनती होनी चाहिए। नेता विरोधी दल की इन्होंने सब पार्टी के लोगों के साथ बैठ करके और फिर हम लोगों के साथ बातचीत किया कि भाई इसके लिए हम लोगों को मिलना चाहिए। प्रस्ताव इन्हीं का था कि प्रधानमंत्री जी से एक बार चल करके मिलना चाहिए। तो हमने कहा ये बात बिल्कुल सही, हम लोगों को भी लगा और सब लोगों ने इसके लिए हम लोगों ने बातचीत सब लोगों से कर ली और वहीं से हम लोग तो 3 तारीख को ही भेजे, 4 तारीख को यहाँ पहुंचा और इन्होंने 13 तारीख 12 तारीख को भेज के 13 तारीख को पहुंचा कि चिट्ठी मिली है और बाद में आज का समय उन्होंने लिया, इसलिए सभी लोग आ गए और आ करके आज पूरी बात लोगों ने बता दिया। तो हम लोगों को जितना इसके पक्ष में जो भी बात रखनी थी उतना हम लोगों ने कहा है और बाकी जरा सब लोग बोले। पीएम ने क्या बोला? पीएम ने हम लोगों की बात पूरे तौर पर सुनी, पूरे तौर पर सुनी है, सब लोगों की बात सुनी और ऐसा नहीं है कि वो कोई नहीं सुन रहे थे। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर का दर्शन करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह अतरौली पहुंचे। इस दौरान कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने कहा कि उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। कल्याण सिंह के जीवन को याद करते हुए भी अमित शाह ने कहा कि कल्याण सिंह का चले जाना बीजेपी के लिए एक बड़ी क्षति है। उन्होंने ये भी कहा कि बाबूजी का जीवन विकास के लिए समर्पित रहा, बाबूजी को दिल से श्रद्धांजलि है। अमित शाह ने कहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान भी कल्याण सिंह बड़े नेता रहे। इस आंदोलन के लिए उन्होंने सत्ता का त्याग करने के लिए जरा भी नहीं सोचा और कल्याण सिंह को नमन करते हुए दूसरी तरफ अमित शाह ने यह भी कहा कि यूपी ने अपना एक महान नेता खो दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के पिछड़ों ने अपना हित चिंतक खो दिया है। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर को लेकर कल्याण सिंह के योगदान को याद करते हुए ये सारी बातें कही और साथ ही ये कहा कि राम जन्मभूमि के शिलान्यास पर मेरी कल्याण सिंह जी से बात हुई थी, वो बड़े खुश होकर कह रहे थे कि मेरे जीवन का लक्ष्य अब पूरा हुआ। बता दें कि कल्याण सिंह के योगदान को याद करते हुए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 5 जिलों में एक एक सड़क को पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाएगा। इन जिलों में अयोध्या, लखनऊ, प्रयागराज, बुलंदशहर और अलीगढ़ का एक एक सड़क शामिल होगी। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर की तरफ जाने वाली सड़क का नामकरण पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर ही रखा जाएगा। राम मंदिर आंदोलन के दौरान कल्याण सिंह के योगदान को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी शाही जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो अश्विनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। जी नमस्कार।
अश्विनी जी, क्या आपको हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। जी सबसे पहले तो स्वागत है आपका सर न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। जी धन्यवाद। जी देखिए, कल्याण सिंह एक बहुत बड़े नेता रहे, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री, जो कि अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनसे सीखने को काफी कुछ रहा, यहाँ तक कि विपक्ष भी उनसे काफी कुछ सीखने को रहा, उनको विपक्ष ने भी काफी कुछ सीखा उनसे। तो आपके क्या कुछ राय है कि क्या इतने बड़े कद्दावर नेता जब हमारे बीच में नहीं है तो विपक्षी उनको किस तरीके से याद रख रहे हैं अपनी यादों में? देखिए श्रद्धेय बाबू जी को विनम्र श्रद्धांजलि एक बार फिर हमारी तरफ से है। और बाबू जी के लिए पक्ष हो या विपक्ष हो, उनका जो सरल व्यक्तित्व था वो उनके लिए वो हमेशा जाने जाएंगे जी। चाहे विपक्ष हो या पक्ष हो, इसमें अंतर नहीं था उनका। सभी उनके साथ स्नेह के आकांक्षी थे, सभी लोग सबको स्नेह करते थे। वो एक कुशल प्रशासक, जहां वो सरकार में रहते हुए, एक माननीय मुख्यमंत्री रहते हुए, राज्यपाल रहते हुए, जैसे वो थे वैसे ही अगर कार्यकर्ताओं के बीच में आते थे तो वो एक सरल व्यक्तित्व के मालिक हो जाते थे। सबको स्नेह देना, सबको काम समझाना, सबको चीजें बताना, वैसे ही अगर कोई विपक्ष का व्यक्ति उनसे मिलता था तो वो उनसे हमेशा प्रसन्न ही रहता था जी। उनके जाने के बाद आज का जो उनके श्रद्धा सुमन में जो आज दिखा जा रहा है, पूरा प्रदेश आज शोक की लहर में डूबा हुआ जी। पक्ष विपक्ष दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, पूरा प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ जी। देखिए अश्विनी जी, अब राम मंदिर निर्माण को लेकर भी जो मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह हैं, उनका बड़ा योगदान रहा, तो ऐसे में अब ये भी ऐलान कर दिया गया है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कि अब वहाँ पर जो उस तरफ जाने वाली जो सड़क है, राम जन्मभूमि की तरफ जो जाने वाली सड़क है, उनका भी नामकरण उनके नाम से किया जाएगा। बहुत ही सराहनीय फैसला माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने किया है जी। और देखिए, कहा जाता है कि भक्तों के रूप में ही भगवान होते हैं, और उस सड़क का नाम जिसकी परिकल्पना श्रद्धेय अटल जी के साथ मिलकर कल्याण सिंह जी ने किया था कि प्रभु रामलला का भव्य मंदिर बने यहाँ, उस सड़क पर अगर भक्त जाएंगे और उस सड़क का नाम कल्याण सिंह जी के नाम पर होगा जी, तो सोचिए कि उससे बेहतर कोई श्रद्धांजलि उनको नहीं हो सकती है। आपने देखा होगा मंदिरों में लोग अपने पिता माता के नाम पर पत्थर लगवाते हैं, तो भक्तों के चरण इस पर पड़ेंगे और भक्त भगवान का रूप होते हैं जी। तो उस सड़क पर अगर भक्तों के चरण पड़ेंगे तो माननीय बाबू जी को इससे बेहतर कोई श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। बिल्कुल जी। जी अश्विनी जी, देखिए जैसे कि सभी जानते हैं कि कल्याण सिंह जी का जो राम जन्मभूमि जो पूरा आंदोलन छिड़ा, उसमें एक बेहद ही अहम योगदान भी रहा उनका। तो ऐसे में पांच जो ज़िले हैं, जैसे अयोध्या, बुलंदशहर और ये सब जो ज़िले हैं, इनमें भी सड़क का निर्माण उनके नाम से किए जाने की बात कही जा रही है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए अभी तो ये पांच जिले की बात है, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आने वाले दिनों में बहुत सी चीजों का नाम उनके नाम पर करके उनको अमर रखने का काम किया जाएगा जी। क्योंकि बाबूजी राम मंदिर के प्रणेता ही नहीं थे, अभी तो उत्तर प्रदेश के दो दो बार मुख्यमंत्री भी रहे और एक कुशल प्रशासक थे, राष्ट्रीय नेता थे, एक जननायक थे, उनकी आम छवि है, तो उनके नाम पर अभी बहुत सी चीजों को सरकार करने का काम करे जी। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी आपका इन तमाम चर्चा के लिए और न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ जुड़ने के लिए भी। कल्याण सिंह अब नहीं रहे, लेकिन उनके साथ जुड़ी तमाम कहानियां लंबे समय तक उत्तर प्रदेश की जनता और बीजेपी कार्यकर्ताओं की स्मृतियों में बनी रहेंगी। इनमें सबसे दिलचस्प कहानी है कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री बनने की कहानी। बहुत कम लोगों को ये मालूम होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी और मुरली मनोहर जोशी का
के इनकार के बाद ही कल्याण सिंह का नाम मुख्यमंत्री के लिए आगे किया गया था, वरना बीजेपी नेतृत्व की देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में अपने पहले मुख्यमंत्री के रूप में सबसे पहली पसंद की पार्टी के सर्वमान्य नेता अटल बिहारी वाजपेयी थे। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में 1991 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने बलबूते पर बनी थी। केंद्र में कांग्रेस ने हरसिंह राव को प्रधानमंत्री बना दिया था। ये राम मंदिर आंदोलन के चरमोत्सव का दौर था। चुनाव से कुछ महीने पहले ही अयोध्या में विवादित स्थल पर जमा कार सेवकों को नियंत्रित करने के लिए तत्कालीन मुलायम सिंह यादव सरकार के आदेश पर पुलिस ने गोली चलाई थी, जिसमें कई कार सेवक मारे गए और घायल हुए थे। माहौल बेहद ही गर्म और उत्तेजनात्मक था। ऐसे माहौल में बीजेपी को विधानसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में पहली बार पूर्ण बहुमत मिली थी। पार्टी और पूरे संघ परिवार के लिए देश के सबसे बड़े राज्य आजादी के बाद अपनी सरकार बनाना भावी राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। इसीलिए बीजेपी इस सफलता को किसी के हाथों में सौंपना नहीं चाहती थी और इसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी से बेहतर कोई दूसरा नाम नहीं था। बीजेपी के एक प्रमुख नेता बताते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नेतृत्व और बीजेपी नेतृत्व के बीच तय हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री की हैसियत प्रधानमंत्री के बाद दूसरी मानी जाती रही है और केंद्र में कांग्रेस के दक्षिण भारत के एक विद्वान और वरिष्ठ ब्राह्मण नेता को प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए उनके मुकाबले के लिए वैसा ही वरिष्ठ और परिपक्व ब्राह्मण नेता बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था। इसीलिए वाजपेयी के नाम पर चर्चा हुई, लेकिन वाजपेयी ने केंद्रीय राजनीति छोड़कर प्रदेश की राजनीति में जाकर सरकार चलाने में अनिच्छा जाहिर की थी। सूत्रों का ये भी कहना है कि वाजपेयी ने सीधे तौर पर मना करने की बजाय शर्त रख दी थी, वो तभी ये जिम्मेदारी संभालेंगे अगर संघ नेतृत्व वचन दे कि अगले 4 साल तक मंदिर का मुद्दा नहीं उठाया जाएगा और उन्हें निर्बाध काम करने दिया जाएगा। ये शर्त संघ और विहिप को कतई भी मंजूर नहीं थी और अटल बिहारी ने मुख्यमंत्री बनने से इनकार कर दिया था। बताया जाता है कि इसके बाद दूसरे नाम पर विचार शुरू हुआ और तब तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त पाया गया, क्योंकि जोशी उत्तराखंड, जो तब तक उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था, के मूल निवासी हैं और इलाहाबाद उनकी कर्म भूमि रही है। उनकी विविधता और ज्ञान असंदिग्ध है। वो ब्राह्मण होने के साथ साथ मंदिर आंदोलन का एक बड़ा चेहरा भी थे और धर्म संस्कृति पर उनकी पकड़ निर्वादित थी। लेकिन डॉक्टर जोशी कुछ महीने पहले ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि उनके जाने से संदेश जाएगा कि पार्टी के पास प्रदेश में कोई नेता ही नहीं है, इसीलिए अपने अध्यक्ष को ही भेज दिया। इसके बाद प्रदेश नेताओं के नाम पर मंथन शुरू हुआ और तब मंडलवादी राजनीति के मुकाबले के लिए डॉक्टर जोशी ने कहा कि कल्याण सिंह के नाम का प्रस्ताव दिया। कल्याण सिंह इसके पहले प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भी थे और उन्हें डॉक्टर जोशी का आशीर्वाद था। ये वही दौर था जब भाजपा ने अपने सोशल इंजीनियरिंग के सिद्धांत के तहत पिछड़ी जातियों को आगे बढ़ाना शुरू किया था। इसको देखते हुए जोशी की सलाह को अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने भी मंजूर कर लिया और संघ नेतृत्व भी राजी हो गया। इसके बाद ही कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पहली सरकार के मुख्यमंत्री बने थे। अयोध्या में बाबरी मस्जिद टूटने के वक्त कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे और अपनी सरकार गिरने के बाद उन्होंने उसकी जिम्मेदारी लेते हुए सुप्रीम कोर्ट तक में यही कहा कि इस घटना के लिए वो अकेले जिम्मेदार हैं, लेकिन उनके करीबी रहे कुछ अधिकारियों की अगर माने तो वो नहीं चाहते थे कि बाबरी मस्जिद को कोई नुकसान हो। 4 दिसंबर 1992 को जब तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अर्जुन सिंह लखनऊ आकर उनसे मिले तो कल्याण सिंह ने उन्हें भरोसा दिया था कि अयोध्या में ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया जाएगा जिससे देश के संविधान और सर्वोच्च न्यायालय की मर्यादा भंग हो। लेकिन जिस तरह विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और संगठन
अयोध्या में कार सेवक को लेकर उग्र थे, उससे कल्याण सिंह को आशंका थी कि कहीं न कहीं राम मंदिर से ज्यादा उनकी सरकार गिरवाने का भी कोई षड्यंत्र था। बीजेपी और संघ परिवार की यथास्थिति वादी सवर्ण लॉबी कर रही है, क्योंकि उसे देश के सबसे बड़े राज्य में एक पिछड़ा मुख्यमंत्री सहन नहीं हो रहा है। उन्होंने अपनी यह आशंका अपने कुछ बेहद ही करीबी लोगों से साझा भी की थी और बीजेपी छोड़ने के बाद वो खुद इस बात को कहा करते थे। बीजेपी छोड़ने के बाद वो जब मुलायम सिंह यादव के साथ आए तो अक्सर अयोध्या मुद्दे पर अपने बचाव में यही तर्क देते थे कि उन्हें अंधेरे में रखकर अयोध्या की घटना हुई, लेकिन बाद में जब बीजेपी में उनका पुनर्वास हो गया तो वो इस मुद्दे पर खामोश हो गए। कल्याण सिंह पर पार्टी के भीतर पिछड़े वर्गों को जरूरत से ज्यादा तरजीह देने का भी आरोप लगा था। दिलचस्प है कि बीजेपी के तत्कालीन सवर्ण नेताओं ने तो हमेशा कल्याण सिंह को निशाने पर लिया ही और कई पिछड़े नेता भी उनके बढ़ते कद को सहन नहीं कर पाते थे। इनमें से कुछ ने तो केंद्रीय नेतृत्व से यहाँ तक दुहाई दी कि आखिर वो भी तो पिछड़े वर्ग से आते हैं, लेकिन कल्याण सिंह के मुकाबले उन्हें वो तरजीह क्यों नहीं मिलती जो उन्हें दी जाती है। अगर कल्याण सिंह के पार्टी से बाहर जाने के बाद ऐसे कुछ नेता बीजेपी और सरकार में शीर्ष पदों तक नहीं पहुंचे, लेकिन कल्याण सिंह ने भी कभी भी किसी तरह के विरोध की परवाह नहीं की। मुलायम सिंह यादव के साथ उनकी राजनीति प्रतिद्वंदिता के बावजूद बेहद ही गहरी दोस्ती भी थी और उसे भी तब बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन बाद में ये सार्वजनिक हो गई। विवादों से भी कल्याण सिंह का काफी नाता रहा है, लेकिन वो कभी विवादों से घबराए नहीं। पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करने का अभियान छेड़ा और कई कुख्यात माफिया सरगना या तो प्रदेश छोड़ गए या फिर जेलों में बंद हो गए। कल्याण सिंह पर योगी सरकार की तरह पुलिस मुठभेड़ों को लेकर काफी विवाद नहीं हुआ, लेकिन उनका पहला कार्यकाल कानून व्यवस्था में सुधार के लिए आज तक लोग याद करते हैं। लेकिन अपने दूसरे कार्यकाल में कल्याण कानून व्यवस्था प्रशासन के मामले में वो छाप नहीं छोड़ सके और उनके दौर में कई ऐसे नेता बीजेपी में शामिल हुए या बीजेपी के साथ आए जिनके खिलाफ कई गंभीर आपराधिक मुकदमे थे। मायावती के समर्थन वापसी के बाद कल्याण सिंह ने अपनी सरकार कांग्रेस और बसपा को तोड़कर जिस तरह से बचाई थी, उससे उत्तर प्रदेश में अपराध को राजनीति संरक्षण का नया अध्याय भी कहा जाता है। पहले बीजेपी के आरोप मुलायम सिंह यादव पर लगाती थी, लेकिन बाद में उसे खुद इस मामले में रक्षात्मक होना पड़ा और जब उसकी सरकार में तमाम दागी नेताओं के साथ एक ऐसे नेता भी मंत्री पद की शपथ ली जिसके खिलाफ एक गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तारी वारंट था। राजभवन में वो जब शपथ ग्रहण हो रहा था तो वहां बैठे अटल बिहारी वाजपेयी समेत सभी वरिष्ठ बीजेपी नेताओं के चेहरों पर तनाव साफ देखा जा सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। वहीं यूपी के इटावा में एक पुराना मिट्टी का टीला अचानक गिर गया, जिससे एक कच्चा मकान टीले के मलबे में दब गया, जिससे मकान में बंधे कई मवेशियों की टीले के मलबे में दबने से मौत हो गई है। इसी के साथ ही 6 लोगों के घायल होने की भी खबर आ रही है। सभी घायलों को ग्रामीणों ने जैसे तैसे रेस्क्यू कर लिया और इलाज के लिए CHC में भर्ती करवा दिया गया है। वहीं मामले में मौके पर पहुंचे SDM ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, जायजा लिया, जिसके बाद पीड़ित परिवार को नुकसान के मुआवजे लाने के पूरे आश्वासन दिए गए हैं। थाना जसवंत नगर क्षेत्र के सिरसा की मढ़ैया गांव की ये पूरी घटना है, जहां पर ये टीला तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये दुर्घटना हुई। और 6 लोग इस पूरी घटना में घायल बताए जा रहे हैं और ये जो मिट्टी का टीला गिरा इसमें कई लोगों के घायल होने की खबर, हालांकि कैसे तैसे रेस्क्यू कर इन घायलों को जो है वो अस्पताल में भर्ती करा दिया गया इलाज के लिए, और 6 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। कई मवेशियों के घायल होने की इसमें खबर है। मिट्टी का टीला गिरने से ही ये दुर्घटना हुई है और ये यहाँ पर CHC इनको पहुँचा दिया गया है और मौके पर SDM ने यहाँ पर निरीक्षण किया, जायजा लिया घटनास्थल का, और पूरे जो परिवार के सदस्य हैं, जो घायलों के परिवार वाले हैं, उनको मुआवजा देने की बातें यहाँ पर कही गई हैं, उनको पूरा आश्वासन दिया गया है। तो 6 लोग इस पूरी घटना में
घायल बताए जा रहे हैं, जबकि कई मवेशियों की मौत भी बताई जा रही है इस दौरान। ये घटना सुबह करीब 5 बजे की है, सिरसा की मढ़ैया जो हमारा मजरा लगता है मौजा में, वहाँ के यहाँ भूस्खलन हुआ है, पहाड़ एक पलटा हुआ है, मकान के ऊपर पूरा मकान ख़त्म हो गया है, इसमें धन हानि हुई है, इसमें करीब 2-3 भैंसें दबी हुई हैं, ख़त्म हो गई हैं, करीब 10-12 बकरियाँ हैं, 2 मोटरसाइकिल दब चुकी हैं, एक रिश्तेदार की मोटरसाइकिल दबी हुई है इसमें, चूँकि कल रक्षाबंधन था इसलिए रिश्तेदार भी आए हुए थे घर पर, तो 5-6 लोगों को घायल भी हुए हैं, जो 108 नंबर एम्बुलेंस बुला के उन्हें अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं फतेहपुर में जमीनी विवाद के चलते दबंगों ने एक युवक को गोली मार दी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उसकी हालत अब गंभीर बताई जा रही है। मामले में मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। बताया ये भी जा रहा है कि जमीन पर जबरन कब्जा करने को लेकर घायल युवक ने विरोध किया था, जिसके बाद बदमाशों ने युवक की गोली मार दी, और सदर कोतवाली के शांति नगर इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर दबंगों की दबंगई का मामला सामने आया, जमीनी विवाद का ये पूरा मामला, जहां पर अवैध कब्जे को लेकर ये पूरा विवाद छिड़ा, दबंगों ने युवक को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि घायल युवक ने सबसे पहले इस चीज का विरोध किया था, जिसके बाद बदमाशों ने मौके पर गोली मार दी युवक को। शांति नगर इलाके का ये पूरा मामला, तो फतेहपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दबंगई का मामला सामने आया है, जमीनी विवाद का ये पूरा मामला। तो युवक को गोली मारकर जमीनी विवाद का ये पूरा मामला, जहां पर विवाद के चलते युवक को गोली मार दी गई, और अभी फिलहाल दबंगों की ये दबंगई का पूरा मामला सामने आया है। सहारनपुर में 17 अगस्त को हुई रेलवे कर्मचारी की हत्या के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है। पुलिस का दावा है कि मृतक मोहन की हत्या इसी की पत्नी पूजा ने अपने प्रेमी राहुल के साथ मिलकर की है। इतना ही नहीं, आरोपियों ने अपना अपराध छिपाने के लिए हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने मोहन के शव को घर के बाहर फेंक दिया था, जबकि पत्नी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए खुद ही पति के घर वापस न लौटने की सूचना दी थी। लेकिन पुलिस द्वारा मृतक और उसकी पत्नी की कॉल डिटेल खंगालने के बाद इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा हो पाया है। सहारनपुर एसपी सिटी राजेश कुमार ने हत्या का खुलासा करते हुए ये बताया कि 17 अगस्त की सुबह रेलवे कर्मचारी मोहन के शव उसी के क्वार्टर के बाहर पड़ा मिला। मोहन रेलवे में मैकेनिकल विभाग में खलासी के पद पर तैनात था। पुलिस का दावा है कि मृतक की पत्नी के संबंध हरियाणा के चरखी दादरी निवासी राहुल से हैं। आरोपी का मृतक के आना जाना था, और एक दिन मृतक के ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में एक साथ देख लिया, जिसके चलते राहुल और मृतक की पत्नी पूजा ने दुपट्टे से गला दबाकर मोहन की हत्या कर दी। ये अभी 17 तारीख को थाना सदर बाजार के रेलवे क्वार्टर्स में एक डेड बॉडी मिली थी, जिसकी पहचान मोहन नामक व्यक्ति के रूप में हुई थी। वो रेलवे विभाग में काम करता था, खलासी के पद पे था, रहने वाला हरियाणा का था, अपने परिवार और बच्चों के साथ रेलवे क्वार्टर्स में रहता था। इसमें जब पूरा मामले का छानबीन किया गया तो पत्नी का एक प्रेमी था जिससे इसके ताल्लुकात थे, और इसकी खुद की पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर इसकी हत्या की है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और दोनों ने पूछताछ को अपना जुर्म का इकबाल किया है। भारत में एक बार फिर से कोरोना महामारी का विकराल रूप देखने को मिल सकता है। नीति आयोग ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर ये साफ चेतावनी जारी की है। आयोग ने आशंका जताई है कि सितंबर में 4 से 5 लाख कोरोना केस रोजाना आ सकते हैं। हर 100 कोरोना मामलों में से 23 मामलों को अस्पताल में भर्ती कराने की व्यवस्था करनी पड़ सकती है। ऐसे में पहले से ही 2 लाख ICU बेड्स तैयार रखने की जरूरत होगी। जानकारी के मुताबिक नीति आयोग ने कोरोना की दूसरी लहर के बाद बड़ी संख्या में अस्पताल में कोविड बेड अलग रखने की सिफारिश भी की है। आयोग का कहना है कि खराब हालत से निपटने के लिए पहले से तैयार रहना होगा। सितंबर तक 2 लाख ICU बेड तैयार किए जाने चाहिए। इसके अलावा
1,02,000 वेंटिलेटर वाले आईसीयू बेड, 7,00,000 ऑक्सीजन वाले बेड और 10,00,000 कोविड आइसोलेशन केयर बेड भी होने चाहिए। नीति आयोग ने इससे पहले सितंबर 2020 में भी कोरोना की दूसरी लहर का अनुमान लगाया था। तब नीति आयोग ने 100 संक्रमित में से गंभीर कोविड लक्षणों वाले लगभग 20 मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता बताई गई थी, लेकिन इस बार अनुमान पिछली बार से ज्यादा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।